ग्राम पेग में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिन में धर्मधाम असलापुर से पधारे हुए सुप्रसिद्ध कथावाचक अनूप ठाकुर महाराज ने बताया कि भागवत कथा का श्रवण करने से जीवन में सुख शांति का समावेश होता है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और जहां भी जिस समय भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो इस अवसर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। भजन में ही जीवन का सार होता है और कथावाचक महाराज ने माता पिता की सेवा किए जाने का आवश्यक बताते हुए कहा कि जिसने भी माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा कर ली समझ लो उसने सभी तीर्थों की यात्रा कर ली। माता पिता के चरणों में ही तीर्थ है। ठाकुर महाराज ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जीवन में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है। अनूप महाराज ने पूतना उद्धार और साथ में भगवान की बाल लीलाओं पर प्रकाश डाला और कथा में आयोजक डॉक्टर कुलदीप गुप्ता, गुड्डू कुशवाहा, राम सेवक कुशवाहा, सोनीलाल कुशवाहा, हरि सिंह कुशवाहा, डाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव, महिपाल सिंह यादव, हरिनाम सिंह यादव, हरिपाल कुशवाहा, साथ ही में धनीराम कुशवाहा, सर्वेश कुशवाहा, सवेंद्र कुमार शर्मा, साथ ही में दीपक शर्मा, रितेश शर्मा, सतेंद्र शर्मा समेत ग्राम और क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।